आज के वीडियो में हम ऑटोकैड 2021 को ओपन करना या स्टार्ट करना सीखेंगे। इसमें हम नई ड्राइंग ओपन करना सीखने वाले हैं। मैं सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करता हूं और स्टार्ट मेनू में से मैं ऑटोकैड के ऊपर एक सिंगल क्लिक करता हूं। ऑटोकैड को एक सिंगल क्लिक करने के बाद ऑटोकैड ओपन होने लगता है। सॉफ्टवेयर थोड़ा बड़ा होने की वजह से ये थोड़ा वक्त लेता है। ऑटोकैड जब ओपन हो जाता है तो सबसे पहले हमारे सामने वेलकम स्क्रीन आती है। हम 5 से 7 तरीके इस्तेमाल करके नए ड्राइंग को ओपन कर सकते हैं, जिसमें से मैं सबसे पहले स्टार्ट ड्राइंग पे एक सिंगल क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ये ड्राइंग ओपन हो जाती है। मैं इसे बंद कर देता हूँ। इस बार मैं डेस्कटॉप के ऊपर जो ऑटोकैड का शॉर्टकट है मैं उस पर डबल क्लिक करता हूँ। स्टार्ट ड्राइंग के नीचे ये ड्रॉप डाउन पे मैं एक सिंगल क्लिक करता हूँ और डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन टेम्पलेट पे एक सिंगल क्लिक करता हूँ, जिसकी वजह से ये ड्राइंग ओपन हो जाती है। मैं इसे बंद करता हूँ। टास्क बार पे मेरे पास ये ऑटोकैड का लोगो है, मैं इस पर एक सिंगल क्लिक करता हूँ। ये जो प्लस का निशान है इस पर जैसे ही मैं कर्सर लाता हूँ तो इसमें न्यू ड्राइंग हमें नाम पढ़ने को मिलता है। मैं इस प्लस पे एक सिंगल क्लिक करता हूँ, जिसकी वजह से ये ड्राइंग ओपन हो जाता है। इसे मैं बंद करता हूँ। सर्च बॉक्स में मैं ऑटोकैड टाइप करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे ये 3 ऑप्शन मिलते हैं, 2 राइट में मिलते हैं और 1 लेफ्ट में। मैं लेफ्ट वाले ऑटोकैड का जो लोगो है इस पर एक सिंगल क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये क्विक एक्सेस टूल बार पे मेरा जो पहला कमांड है न्यू का, मैं उस पर एक सिंगल क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसमें एक कैट नाम का टेम्पलेट सिलेक्ट रहता है। मैं इस ओपन बटन पे क्लिक करता हूँ, जिसकी वजह से ये ड्राइंग ओपन हो जाता है। मैं इसे बंद करता हूँ। सर्च बॉक्स में मैं ऑटोकैड टाइप करता हूँ और राइट हैंड साइड में ये ओपन बटन पे एक सिंगल क्लिक करता हूँ। एप्लीकेशन मेनू पे एक सिंगल क्लिक करता हूँ और इस न्यू पर एक सिंगल क्लिक करके मैं नई ड्राइंग को ओपन करता हूँ। मेरे सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ये ओपन बटन के बाजू में ड्रॉप डाउन पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें मुझे 3 ऑप्शन मिलते हैं, ओपन और ओपन विथ नो टेम्पलेट इम्पेरियल, ओपन विथ नो टेम्पलेट मैट्रिक। तो मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ डिफ़ॉल्ट ड्राइंग को ओपन करने के लिए। इस तरीके से मेरे सामने ये ऑटोकैड की ड्राइंग ओपन हो जाती है। आप ऑटोकैड को कंट्रोल प्लस एन करके भी ओपन कर सकते हैं। मैं कंट्रोल प्लस एन कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ, जिसकी वजह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें ऑटोकैड टेम्पलेट सिलेक्ट रहता है। मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ और इस तरीके से ये ड्राइंग ओपन हो जाती है। मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ और ये जो एप्लीकेशन की लिस्ट है इसमें ऑटोकैड फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये ऑटोकैड पे क्लिक करता हूँ। इस टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ और 3 नंबर का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके ड्राइंग को ओपन करता हूँ। इस तरीके से ड्राइंग ओपन हो जाती है। आपने 5 से 7 तरीके देखे जिसमें ऑटोकैड की नई ड्राइंग को ओपन किया जा सकता है। आपको जो भी पसंद हो उस तरीके से आप ड्राइंग को ओपन कर सकते हैं। मैं ये डेस्कटॉप पे जो शॉर्टकट है इस पर डबल क्लिक करता हूँ। मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ कि टोटल
जितने भी तरीके हैं उनके ज़रिए हम किस तरीके से नई ड्राइंग ओपन करते हैं। सबसे पहले मैं कंट्रोल प्लस एन प्रेस करता हूँ, जिसकी वजह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। उसके बाद आपको ओपन पे क्लिक करना है तो ये ड्राइंग ओपन हो जाती है। दूसरा तरीका ये है कि आप क्विक एक्सेस टूल बार पे ये न्यू जो कमांड है उस पर सिंगल क्लिक कीजिए, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसके बाद ओपन बटन पर क्लिक कीजिए और ड्राइंग आपका ओपन हो जाता है। एप्लीकेशन मेनू पे क्लिक कीजिए, उसके बाद न्यू पे क्लिक कीजिए, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। उसके बाद चाहे आप इस ओपन बटन पे क्लिक कीजिए, चाहे इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके इस ओपन पे क्लिक कीजिए, तो आपके सामने ड्राइंग ओपन हो जाती है। कंट्रोल एन से भी आपने देखा, क्विक एक्सेस टूल बार से देखा, फिर एप्लीकेशन मेनू से देखा आपने। इस तरीके से आप इस फाइल में जाकर भी न्यू ड्राइंग को ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से आपको जो भी तरीका पसंद हो आप ज़रूर इसे इस्तेमाल कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही।